सो ऑल राइट गाइस, बैब टॉक हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम रिकैप लेंगे मूवी महाराजा की, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 8.7 और जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिंदी और तमिल दोनों लैंग्वेज में, जो कि नेटफ्लिक्स में नंबर वन ट्रेंड कर रहा है इंडिया में और इसमें स्टार कास्ट है विजय सेतुपति। तो मूवी को डिकोड करने से पहले मैं आपको समझा दूं, इस मूवी में चार कहानियां हैं जो कि अलग अलग तरीके से कंटिन्यू हो रही है, पास्ट प्रेजेंट इस तरीके में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे चोर और क्रिमिनल की स्टोरी, जो कि है सेल्वम की। सेल्वम के पहले मेन दो साथी होते हैं, एक होता है सबारी और दूसरा होता है नल्ला शिवम, और तीसरा जो लास्ट उसका साथी होता है उसका नाम है धन्ना, जो कि उन्हें जेल जाने के बाद मिला होता है। सेल्वम, नल्ला शिवम और सबारी बहुत ही खतरनाक चोर होते हैं। वो लोगों के घर जाते थे और उनका सोना गहना सब चुराते थे और वहां बैठकर खुद से खाना बनाते और उसे खाकर आते और साथ में उन लोगों को भी मार के चले आते थे, और यहाँ तक कि कुछ औरतों का शोषण भी करते थे, उनका बलात्कार करते थे। सेल्वम इन सब का सरदार था। जब वो लास्ट घर में चोरी करके आते हैं तो वो उस लड़की का बलात्कार करके और उन दोनों माँ बेटी को जलाकर वापस आते हैं। तो कुछ दिनों में उसकी बेटी का जन्मदिन आने वाला था। सेल्वम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो चाहता था कि उसकी बेटी को दुनिया की सब खुशी मिले, उसने जहाँ पढ़ना है वो वहाँ पढ़े, उसको हर एक खुशी से नवाजना चाहता था, इसीलिए वो चोरी करता था। जब उसकी बेटी का जन्मदिन आने वाला होता तो वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है, तो वो अपनी बेटी के लिए एक डायमंड, रेड डायमंड का ब्रेसलेट लेता है। जब वो ब्रेसलेट लेने के बाद बाल कटवाने के लिए नाई की शॉप में जाता है तो वो सेतुपति की शॉप में जाता है, तो तब वो न्यूज़पेपर में देखता है कि उनकी लास्ट मर्डर की खबर न्यूज़पेपर में छपी हुई है, तो उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो पकड़े ना जाए, और फिर तो उसे लगता है कि ये बात सेतुपति को पता लग गई है तो कहीं वो उसके पीछे पुलिस ना लगा दे। तो फिर वो शेव करके वहां से जल्दी निकल जाता है, परंतु वो रेड डायमंड की चेन वहीं भूल जाता है और सेतुपति उस चेन को लौटाने के लिए उसके घर जाता है, परंतु उसी वक्त पुलिस भी पीछे से आ जाती है और वो सेल्वम और उसके साथी को पकड़ कर ले जाती है। सेल्वम का साथी सबारी तो वहीं पे मारा जाता है, परंतु सेल्वम को वो पकड़ के ले जाते हैं। तो सेल्वम को लगता कि इन सब के पीछे का जिम्मेदार सेतुपति है, उसकी वजह से ही हम पकड़े गए और उसकी वजह से ही मैं अपनी पत्नी और बीबी से दूर हुआ, तो वो उसके प्रति एक खुन्नस रखता है। फिर अगली कहानी में हम देखते हैं सेतुपति की बेटी, जिसका नाम होता है ज्योति। ज्योति की माँ नहीं होती, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज्योति की माँ एक एक्सीडेंट में मर जाती है, परंतु उसकी बेटी बच जाती है, क्योंकि जब घर की छत गिरती है तो लोहे के डस्टबिन से उसकी जान बच जाती है, और उसी लोहे के डस्टबिन को वो लक्ष्मी कहते हैं, जिसकी वो पूजा भी करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक वरदान के रूप में है, जिससे उसकी बेटी की रक्षा हुई। वो लोग उस डस्टबिन की केयर फैमिली मेंबर की तरह करते हैं, उसे नहलाते हैं, उसे खिलाते हैं, उसकी केयर करते हैं। ज्योति को पढ़ाई लिखाई में उतना शौक नहीं था, उसे सबसे ज्यादा शौक था स्पोर्ट्स का, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो कुछ वक्त के लिए ज्योति ने अब स्पोर्ट्स कैंप के लिए जाना होता है, तो वो अपने पापा को कहते हैं कि लक्ष्मी का ध्यान रखना और मैं तुम्हें अपने टाइम टाइम पे फ्री होकर कॉल करती रहूंगी। दूसरी तरफ से अब 13 साल बाद सेल्वम और उसके साथी जेल से छूट गए थे और उनका अब नया दोस्त बन चुका था धन्ना, तो वो सेतुपति से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ से सेतुपति की बेटी ज्योति कैंप से घर आ रही होती है और वो कहते कि पापा मुझे नए सूट चाहिए, क्योंकि उसने अपने जूते किसी दूसरी लड़की को दे दिए थे। तो जैसे ही वो घर आती है और चाबी निकालती है और घर जाकर कपड़े बदलने वाली ही होती है, तो तभी पीछे से उसके सर पर अटैक होता है और वो लोग अब उसका मुंह पकड़ते हैं और उसे नीचे ढकेल देते हैं और उसकी टांगे तोड़ देते हैं और उसका सर भी फोड़ देते हैं। फिर वो सेतुपति का वेट करने लगते हैं, परंतु सेतुपति जूते लेने के चक्कर में घर नहीं पहुंच पाता, परंतु हब्स का पुजारी नल्ला शिवम उस लड़की का रेप कर देता है, वो भी दो बार। धन्ना उस लड़की को मारने ही वाला होता है, परंतु सेल्वम कहता है कि उस लड़की को जाने दो, और फिर वो उस घर को छोड़कर निकल आते हैं बाहर और वहां से चले जाते हैं। जब सेतुपति घर पहुंचता है तो वो अपनी बेटी को ऐसी हालत देखकर एकदम परेशान हो जाता है और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाता है। तो उसकी बेटी बताते है कि वो तीन लोग थे और उसके साथ क्या क्या किया। अब सेतुपति को लेना था बदला। जब वो घर जाता है तो वहां उसे एक टोल टैक्स की पर्ची मिलती है जिसपे लिखा होता है एक गाड़ी का नंबर, तो वो उस गाड़ी का पीछा करते करते उस गाड़ी के मालिक तक पहुंच जाता है। तो जब वो देखता है कि गाड़ी के मालिक को वहां पे पीटा जा रहा है बुरी तरह से, क्योंकि जिस चोर ने उसकी गाड़ी चुराई थी वो उसे मारने वहां आया हुआ था, तब सेतुपति को उस आदमी के ऊपर डाउट होता है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब वो उसका पीछा करते करते सुनसान से एरिया में पहुंच जाता है तो वहां पर उन दोनों के बीच में और उनके साथियों के बीच में काफी घमासान फाइट होती है।
जब वो उसके साथी को बुरी तरह से काट देता है अपने रेजे से, तो वो उसके बाद धन्ना के पास पहुंचता है और वो धन्ना से पूछता है कि, तो धन्ना मरने से पहले बता देता है कि हमारा एक साथी तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के आसपास ही होता है। तो फिर अब तीसरी कहानी शुरू होती है सेतुपति की और उस लोहे के डस्टबिन की जिसका नाम होता है लक्ष्मी। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर रिपोर्ट लिखने को कहता है। तो वो कहता है कि मेरे घर में चोरी हुई है और चोरी में मेरे घर से डस्टबिन चोरी हुआ है। और वो उस बात पे हंसते हैं और वो उसे पागल समझते हैं, तो वो उसे जबरदस्ती वहां से बाहर निकालते हैं। और फिर से सेतुपति अंदर आता है और वो रिपोर्ट लिखाता है वहां के इंस्पेक्टर से। वो उस टीन के डस्टबिन के लिए 40,000 एडवांस और 5,00,000 और यहाँ तक कि 7,00,000 देने के लिए भी मान जाता है पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये कुछ और मामला है, शायद से उस डस्टबिन के अंदर कुछ करोड़ पैसे होंगे या तो कुछ और चीज होगी उसके अंदर जो कि चोरी हुआ है, परंतु ये असल बात नहीं थी। तो फिर उसके बाद खोजबीन शुरू होती है डस्टबिन ढूंढने की, परंतु दूसरी तरफ से ही वो मार खाया हुआ गाड़ी का ओनर वहां आता है और वो भी अपनी रिपोर्ट लिखाता है। परंतु पुलिस वाले केस से जल्दी फ्री होने के लिए एक उपाय ढूंढते हैं। वो एक इंजीनियर के पास जाते और वो सेम टीन का वैसा ही डस्टबिन बनाने को कहते हैं और ये काम देता है वो नल्ला शिवम को, क्योंकि वो भी एक पुलिस का इन्फॉर्मर होता है। अब पुलिस वालों को चाहिए था एक चोर जो कि कबूल कर सके कि उसने ये चोरी की और उसने ही डस्टबिन चुराया, परंतु सारे के सारे चोर डस्टबिन की चोरी को एक बहुत ही छोटी चोरी मानते थे, इसलिए सबने इनकार कर दिया। वो कहता है कि जो भी बंदा चोर ढूंढ के लाएगा मैं उसे 50,000 दे दूंगा। तो नल्ला शिवम पैसों के लालच में चोरी का इल्जाम अपने सर पर ले लेता है और फिर वो उसे लेके जाते हैं सेतुपति के घर में और वहां पर नल्ला शिवम सेम एक्टिंग करता है जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में चोरी की थी। तो सेतुपति कहता है कि सर अब इसे जाने दीजिए, मुझे मेरा डस्टबिन भी मिल चुका है तो आप इसे जाने दीजिए। तो पुलिस अफसर कहता है कि तुम ऐसे कैसे इसे जाने दे सकते, इसने तुम्हारा डस्टबिन चुराया, यहाँ तक कि इतना सब कुछ कर दिया। तो वो कहता है कि अगर इसने तुम्हारी बेटी का रेप किया होता तो तुम इसे ऐसे ही जाने देते। तो तब सेतुपति को समझ आ चुका होता है कि पुलिस वालों को अब सारा केस समझ आ चुका है, तो वो उसे और सेतुपति को अंदर छोड़ देते हैं। तो सेतुपति नल्ला शिवम को एक बकरे की तरह हलाल कर देता है। पुलिस वाले इसमें तो करप्ट दिखाए गए हैं, परंतु लास्ट में वो सच्चाई का साथ भी दे रहे हैं, ये इस मूवी की एक अच्छी बात लगी मुझे। और फिर अब बारी आती है सेल्बम की जो कि बहुत दूर कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। तो सेतुपति वहां पहुंचता है और फिर सेल्बम और उन दोनों के बीच में थोड़ी देर लड़ाई होती है। फिर जब सेतुपति उस सेल्बम को पूरी तरह से घायल कर देता है, उसकी टांग को तोड़ देता है, तो तब उसकी बेटी वहां आती है। तो ज्योति उसे माफ करते हुए गहने की पोटली वहां फेंक देती है। तब वो देखता है कि उस गहने की पोटली में वही रेड डायमंड वाला नेकलेस भी है। तो अब आता है असली क्लाइमेक्स। जब वो वहां से जाने लगती है तो सेल्बम उसकी पीठ पे बना हुआ एक निशान देखता है जो कि उसकी बेटी को छोटे में चोट लगी थी और वो सेम निशान होता है, क्योंकि जो मूवी की स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हुआ था उसमें सेतुपति की माँ और बेटे दोनों ही मर चुके थे, परंतु जो दूसरी बेटी थी वो सेल्बम की बेटी थी जिसे सेतुपति ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि सेतुपति और उसकी वाइफ उस रेड डायमंड के नेकलेस को सेल्बम की वाइफ को देने गए थे क्योंकि ये उसने लिया था। और तभी हादसा हो जाता है और सिर्फ सेल्बम की ही बेटी ही बच पाती है। तब सेल्बम को अफसोस होता है कि उसने अपनी ही बेटी के हाथ पांव तोड़ और उसके सामने ही उसने अपने साथी से उसका रेप करवाया और उसे जिंदा वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर सेल्बम अपनी बेटी की एक झलक देखने के लिए पीछे पीछे चला जाता है और अपनी गलती के लिए उस नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के फ्लोर से नीचे कूद जाता है और खुद मर जाता है। मैंने इस मूवी को बिल्कुल शॉर्ट्स में और अलग अलग पार्ट्स में समझाया ताकि आपको ये मूवी इजीली समझा सके। ये थी मेरी महाराजा मूवी की डिकोडिंग। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही शॉर्ट्स एंड बेस्ट मूवीज रिव्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ।